जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी, SSGD कांस्टेबल भर्ती 2021 को लेकर अब सभी रीजनल की जो वेबसाइट है SSC की, उस पर एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। स्टेटस अब आप कोई से भी रीजन से बिलोंग करते हो, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप भी चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्जाम सेंटर कहाँ बना है, साथ ही एग्जाम सिटी चेक कर सकते हैं, एग्जाम डेट चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेटों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा सेंटर है एक स्टेट से, मतलब अदर स्टेट में भी सेंटर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको स्टूडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आपने भी अभी तक चेक नहीं किया है तो आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। कैसे आपको चेक करना है, इससे जुड़ी पूरी अपडेट आपको स्टूडियो में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। दोस्तों भी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि SSGD कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, डिफेंस जॉब अलर्ट की ऑफिशियल साइट पे, और यहां पर आपको SSC के अलावा कोई भी नया रिक्रूटमेंट आता है, आंसर की आता है या एडमिट कार्ड आता है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। नीचे जाएंगे तो आपको एक अलग से बॉक्स मिलेगा एडमिट कार्ड, और यहां पर आप देख लीजिएगा SSGD एडमिट कार्ड 2021 होल टिकट डाउनलोडेड। और जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक पूरा पेज ओपन होकर आ जाता है, और दोस्तों यहीं पर आप सारी चीजें देख सकते हैं, सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, टोटल बार कितने फॉर्म अप्लाई हुए, कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक आपका एग्जामिनेशन चलने वाला है, उसके साथ ही अलग अलग दोस्तों आप आपकी वैकेंसी देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। और नीचे जाएंगे तो आपको दो अलग से लिंक मिलेंगे, यहां से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहां से दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप कोई से भी रीजन से बिलोंग करते हो। दोस्तों जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड वाले लिंक पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोस्तों SSC का पोर्टल ओपन हो किया जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे SSC.NIC.IN पोर्टल एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का जो पोर्टल है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाता है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे जाएंगे तो सभी रीजन की अलग अलग वेबसाइट आपको मिल जाएगी, अलग अलग लिंक आपको मिल जाएगा। आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उसी रीजन की वेबसाइट से आप अपना एडमिट कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों सभी का लगभग आ चुका है, नॉर्थन रीजन का भी यहाँ पर आ चुका है। कैसे आपको चेक करना है तो नॉर्थन रीजन वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नॉर्थन रीजन की है, और यहां पर आप नीचे जाएंगे तो आपको दोस्तों यहां पर कुछ दिशा निर्देश मिलेंगे, वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके अलावा यहां पर आपको आई एग्री ना लिखा मिलेगा, वहां पर आपको टिक करना है और उसके बाद में सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। करते ही दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको तीन तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका यहां पर दिया जा रहा है, जिसमें या तो आपके पास में अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और अपने फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ लगाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास में रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, आपके पास में रोल नंबर है, तो आप अपने रोल नंबर, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ लगा के भी अपना एडमिट कार्ड, मतलब अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास में रोल नंबर भी नहीं है तो भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेटों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इस बार SSC ने काफ़ी ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट किए, तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो बिल्कुल जल्दी से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसके बाद में आपको कोई मौका यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। क्योंकि SSC की तरफ से एक नोटिस जारी करके भी बताया था कि जिन कैंडिडेटों का फोटो के अलावा अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वो SSC को मेल कर सकते हैं और SSC उनको चेक करके उनका फॉर्म एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये होगा, ये लगभग 10-12 तारीख तक ही आप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, तो आप इन सब चीज़ों का एक बार जरूर देख ले। तो दोस्तों इसके अलावा कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। डायरेक्टली आपको लिंक, मैंने वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ जाके आप डायरेक्टली अपना एडमिट कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी रीजन से बिलोंग करते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।